जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका बिहार के वीकली करंट अफेयर्स में इस वीडियो में हम 28 जुलाई से 3 अगस्त तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे तो हमारी पहली न्यूज है डिक्लाइन इन टाइगर डेथ इन 2024। तो देखिए इंडिया में जो टाइगर की डेथ है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है और पिछले साल जनवरी से जुलाई के बीच में लगभग एक टाइगर्स की जो है मौत हुई थी वहीं इस साल जनवरी से जुलाई के बीच में एटी टाइगर्स की डेथ हुई है इसके अलावा जो टाइगर का कब है जो टाइगर का बच्चा है उसके डेथ में भी हमको डिक्रीज़ देखने को मिला है 2023 में टोटल 13 कब्स की डेथ हुई थी और 2024 में 8 कब की डेथ हुई है और 2023 में टोटल 178 टाइगर की डेथ हुई थी जो कि पिछले 10 सालों में सबसे हाईएस्ट है और 2022 में फिफ्थ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन किया गया था और इसके अंतर्गत कहा गया था कि इंडिया में टोटल 3682 टाइगर्स हैं यानी कि पूरे वर्ल्ड का जो 70 परसेंट जो टाइगर्स हैं वो इंडिया में हैं अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर और कुछ रिसेंट इनिशिएटिव्स की तो देखिए जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में लॉन्च किया गया था कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से इसके अलावा नाइन अदर टाइगर रिजर्व जो हैं इसमें शामिल थे और प्रोजेक्ट टाइगर का मेन एम था जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज किया जाए 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की जो है 50वीं सालगिरह थी और इसी को लेकर के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं इनके द्वारा लॉन्च किया गया था अमृत काल का विजन फॉर टाइगर कंजर्वेशन और इसके अलावा इंटरनेशनल बिग कैट एलियांस लॉन्च किया गया था 2023 में ताकि जो सेवन बिग कैट्स हैं जैसे टाइगर लॉयन लेपर्ड स्नो लेपर्ड चीता जयगुआर और प्युमा इनको प्रिजर्व किया जाए और इनकी जो संख्या है वो बढ़ाई जा सके और टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए दो में टाइगर टास्क फोर्स रिपोर्ट जो है वो लाया गया था और इसके अंतर्गत 2006 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो है कुछ अमेंडमेंट्स किए गए और इसी के अंडर में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इनका जो है गठन किया गया ताकि जो टाइगर्स हैं उनको कंजर्व किया जा सके नेक्स्ट न्यूज़ ने है सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क डिसीजन के बारे में तो देखिए रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि अब एस और एस के अंदर जो है सब कैटेगरीज को भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है यानी कि जैसे एस है अगर मान लीजिए कि एस के लिए टोटल जो है हंड्रेड वैकेंसी आती है तो एस के अंडर में जो सब कैटेगरीज़ हैं जो अदर कास्ट होंगी इनको कुछ एक्स्ट्रा रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड किया सकता है और इस वर्डिक को पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने सिक्स वन के मेजोरिटी से यानी सिक्स जो है जजेज वो फेवर में थे और एक जो है वो अगेंस्ट में थे और ये जजमेंट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2004 का एक जजमेंट था और ये जजमेंट जो है पाँच जजों की बेंच ने दिया था और इसमें कहा गया था कि सब कैटेगराइजेशन जो है एस और ओर एस के अंदर नहीं हो सकता लेकिन इसको ओवर रूल करते हुए इसको चेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब सब कैटेगराइजेशन जो है एस और एस के अंदर किया जा सकता है और 2006 में पंजाब के द्वारा एक लॉ पास किया गया और उस लॉ के तहत जो एस हैं उनके दो कास्ट को जो है रिजर्व सीट्स दी गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दिया और कहा कि स्टेट जो है वो 100% परसेंट रिजर्वेशन नहीं दे सकती है किसी भी सब कास्ट को यानी एससी के अंडर में जो भी सब कास्ट होंगी उनको 100 परसेंट रिजर्वेशन नहीं दिया सकता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अगर जो राज्य सरकारें हैं अगर वो एस के अंडर में जो सब कास्ट हैं उनको रिजर्वेशन देना चाहती हैं आरक्षण देना चाहती हैं तो उनको जो है वैलिड डाटा प्रोड्यूस करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि जो सब कास्ट हैं ये सब कास्ट जो है इक्वली रिप्रेजेंटेड नहीं है उस पर्टिकुलर स्टेट में तो उसके बाद ही इन सब कास्ट को रिजर्वेशन का लाभ जो है वो दिया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट का मेन एम ये है कि जो आरक्षण का जो बेनिफिट है रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो जो है सब में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन उसका किया जाए तो इस जजमेंट के बाद जो राज्य सरकार है वो एस के अंडर में सब कैटेगरीज को भी रिजर्वेशन दे सकती है ताकि इस रिजर्वेशन का लाभ जो है वो मार्जिनाइज लोगों को मिल सके और इसी तरीके से 2006 में पंजाब ने जो है वाल्मीकिस को और मज़बीज को जो कि सिख के अंडर में आते हैं इनको जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था अंडर द स्केड्यूल कास्ट तो देखिए ये जजमेंट जो है वो सेवन जजेस की बेंच के बाद दिया गया है और इसमें से सिक्स जजेस जो हैं वो फेवर में थे और सिर्फ एक जज जो है वो इस जजमेंट के फेवर में नहीं थी जिनका नाम है जस्टिस बेला एम त्रिवेदी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एस और एस में सब कैटेगरीज को जो है रिजर्वेशन दिया जा सकता है लेकिन जो राज्य सरकारें हैं वो हंड्रेड परसेंट रिजर्वेशन किसी भी सब कास्ट को नहीं दे सकती है और कहा गया कि जिस भी सब कास्ट को रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसके लिए एम्फेरिकल डाटा जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा नेक्स्ट न्यूज़ है मनरेगा फंड के बारे में तो देखिए फाइनेंशियल ईयर दो में बिहार और यूपी को टोटल जो है सेवनटीन मनरेगा फंड जो है वो मिला है जिसमें से बिहार को सिक्स दिया गया है और यूपी को इलेवन दिया गया है बात करें अगर पुअर पॉपुलेशन की तो बिहार और यूपी दोनों को मिला के लगभग 45 परसेंट जो लोग हैं वो पुअर हैं जिसमें से बिहार 20 परसेंट और यूपी में 25 परसेंट जो लोग हैं वो पुअर हैं वहीं जो तमिलनाडु है तमिलनाडु में एक परसेंट से भी कम लोग पुअर हैं लेकिन फिर फाइव परसेंट एलोकेट किया गया है तमिलनाडु को अंडर मनरेगा फंड और केरला को लगभग मनरेगा का फोर परसेंट फंड जो है वो दिया गया है लेकिन केरला में ज़ीरो पॉइंट वन परसेंट जो पुअर लोग हैं वो प्रेजेंट हैं नेक्स्ट न्यूज़ है बिहार के सप्लीमेंट्री बजट के बारे में तो देखिए रिसेंटली बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी के द्वारा जो है बाईस जुलाई को यह बजट पेश किया गया और इस बिहार के सप्लीमेंट्री बजट में टोटल फोर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेल्व करोड़ रुपीज़ जो है वो एलोकेट किए गए हैं और यह सप्लीमेंट्री बजट फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फाइव के लिए है बात करें इसके एलोकेशन की तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी वन करोड़ एनुअल स्कीम्स के लिए एलोकेट किया गया है और 21,954 करोड़ स्टैब्लिशमेंट और कमिटेड एक्सपेंडिचर के लिए एलोकेट किया गया है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के लिए 5.73 करोड़ एलोकेट किया गया है और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसके लिए 12,158 करोड़ एलोकेट किया गया है और इसके अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 310.45 करोड़ एलोकेट किया गया है जो प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सर्विस है उसके लिए 111 करोड़ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के लिए 58.57 करोड़ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए 30.36 करोड़ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के लिए 24.81 करोड़ और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के लिए 21.86 करोड़ इसके बाद सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं और इसके अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान के लिए 8,550 करोड़ जो है एलोकेट किया गया है नेशनल हेल्थ मिशन के लिए 1,000 करोड़ एलोकेट किया गया है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन स्कीम के लिए 466.94 करोड़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 323 करोड़ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए 283.67 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के लिए 71.44 करोड़ प्रधानमंत्री वंदना योजना के लिए 47.72 करोड़ उसके बाद नेक्स्ट एलोकेशन स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स के लिए किया गया है और टोटल ट्वेल्व करोड़ जो है वो एलोकेट किया गया है और इसके अंतर्गत रोड और बिजेस के कंस्ट्रक्शन के लिए टू करोड़ एलोकेट किया गया है एनर्जी सेक्टर डेवलपमेंट के लिए थर्टीन करोड़ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए एट करोड़ चीफ मिनिस्टर्स ओल्ड एज पेंशन स्कीम के लिए सिक्स करोड़ इरिगेशन क्रिएशन प्रोजेक्ट के लिए 584.25 करोड़ चीफ मिनिस्टर इंसेंटिव स्कीम के लिए 525 करोड़ और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए 400 करोड़ और लास्ट में लैंड एक्विजिशन के लिए 400 करोड़ जो है वो एलोकेट किया गया है अगली न्यूज़ है विष्णुपट टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर के बारे में तो जिस तरीके से काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर बनाया गया है उसी तरीके से विष्णुपट टेम्पल और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर का निर्माण जो है वो किया जाएगा बात करें विष्णुपट टेम्पल की तो विष्णुपट टेम्पल जो है वो गया बिहार में लोकेटेड है और फाल्गुन रिवर के जो किनारे ये लोकेटेड है और विष्णुपट टेम्पल जो है वो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है और यहाँ भगवान विष्णु की फोर्टी सेंटीमीटर की जो फुटप्रिंट है वो प्रेजेंट है जिसकी यहाँ पे पूजा की जाती है और अठारहवीं शताब्दी में इस टेम्पल का रिनोवेशन करवाया था अहिल्याबाई ने बात करते हैं महाबोधि टेम्पल की देखिए जो महाबोधि टेम्पल है इसी के कैंपस में ही प्रेजेंट है बोधि ट्री और इसी पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को जो है निर्माण की प्राप्ति हुई थी और इस टेम्पल का निर्माण जो है वो अशोका ने करवाया था अशोका ने जो है इसका जो है श्राइन बनवाया था थर्ड बी में उसके बाद जो इसकी वेदिका है जो इस टेम्पल की जो रेलिंग है उसको पोस्ट मॉरियन पीरियड में बनवाया गया यानी लगभग हंड्रेड बी के आसपास जो है इसका निर्माण करवाया गया था और इसके बाद पाला रुलर्स के द्वारा जो है इस टेम्पल के जो स्कल्पचर्स हैं इसके अंदर में उसका निर्माण करवाया गया था और इसके बाद कॉलोनियल पीरियड में इस टेम्पल को रिकन्स्ट्रक्ट करवाया गया था बात करें इस टेम्पल के डिज़ाइन की तो ये टेम्पल ना तो नागरा स्टाइल का है और ना ही ड्राविडा स्टाइल का है तो ये टेम्पल जो है नागरा और ड्राविडा ये दोनों का मिक्सचर है इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो वेसर स्टाइल ऑफ़ आर्किटेक्चर है और इस टेम्पल की खासियत ये है कि ये कम्प्लीटली ब्रिक्स से बना हुआ है ईंटों से बना हुआ है नहीं तो ज़्यादातर जो टेम्पल्स हैं वो स्टोन से बने हुए हैं और ये एक ऐसा टेम्पल है जो कि ब्रिक्स से पूरा कम्प्लीट बना हुआ है और 2002 में इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा जो है दिया गया था नेक्स्ट न्यूज़ है बिहार के इकोनॉमिक ओवरव्यू और फिजिकल चैलेंजेस के बारे में तो देखिए जो बिहार की जी है जी क्या होता है तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसे जी होता है उसी तरह स्टेट के लिए जीएसडी होता है और डिस्ट्रिक्ट के लिए हम निकालते हैं ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इन एन ईयर तो जो बिहार के जीएसडीपी है इसमें लगभग 15.55 परसेंट का जो ग्रोथ है वो देखने को मिला है लेकिन ये ग्रोथ होने के बाद भी कुछ फिजिकल स्ट्रेस जो है वो दिखने को मिल रहे हैं जैसे कि जो बिहार का फिजिकल डेफिसिट है वो 2.6 परसेंट था 18 उन्नीस में और ये बढ़ के दो हज़ार में हो गया है 5.97 परसेंट और जो बिहार का फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंतर्गत कहा गया है कि 4 परसेंट से ये लिमिट ऊपर नहीं होनी चाहिए लेकिन ये लिमिट जो है 4 परसेंट से बढ़ के 5.97 परसेंट हो गई है तो बिहार का जो फिजिकल डेफिसिट है वो इंक्रीज़ कर रहा है और वहीं जो पब्लिक डेप्ट जीएसडीपी रेशियो है वो भी बढ़ चुका है 23.8 परसेंट था दो हज़ार में और ये बढ़ के हो गया है 32.3 परसेंट दो हज़ार बाईस तेईस में और जो बिहार सरकार का जो डेप्ट था वो 39.03 परसेंट है दो हजार बाईस तेईस में इसके अलावा जो सब्सिडी का जो एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज कर गया है सिक्स से एट हो चुका है और टोटल जो सब्सिडी का बिल है वो फोर्टीन करोड़ हो चुका है अगली न्यूज है डिजिटल क्रॉप सर्वे इनिशिएटिव इन बिहार तो देखिए बिहार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक डिजिटल क्रॉप सर्वे कंडक्ट करने का जो है प्लान किया है और लगभग दस हज़ार गाँव में ये सर्वे कंडक्ट किया जाएगा यानी लगभग अट्ठाईस डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसके अंतर्गत कवर किए जाएंगे और ये सर्वे जो होगा वो खरीफ सीजन के क्रॉप का किया जाएगा और इसके पहले जो रबी क्रॉप्स हैं इनका सर्वे लगभग बीस डिस्ट्रिक्स में जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है तो इसी तरीके से 28 डिस्ट्रिक्ट में जो खरीफ सीजन के जो क्रॉप्स हैं उनका सर्वे बिहार के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो कंडक्ट करेगी बात करें इस सर्वे के ऑब्जेक्टिव की तो इस सर्वे के तहत एक डाटा बेस जो है बनाया जाएगा जिसमें ये नोट किया जाएगा कि टोटल जो क्रॉप्स हैं वो कितना एरिया कवर करते हैं और जो किसान हैं वो किस टाइप के जो ग्रेन्स हैं वो उगाते हैं किस टाइप के जो वेजिटेबल्स हैं वो उगाते हैं ताकि उसी टाइप के हिसाब से जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उन्हीं को लेकर के जो पॉलिसीज़ हैं वो आगे वो बनाई जा सकें और इस चीज़ के लिए एक एक्सपर्ट पैनल का जो है निर्माण किया गया है और ये जो एक्सपर्ट पैनल होगा ये 28 डिस्ट्रिक्ट में टोटल जो ये सर्वे है वो कंडक्ट करेगा और इस सर्वे की शुरुआत जो है वो अगस्त 2024 से की जाएगी नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर के तो रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है कुछ गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं जैसे झारखंड में संतोष गंगवार को अपॉइंट किया गया है जो आठ बार जो है एमपी रह चुके हैं छत्तीसगढ़ में रमेन देका जो कि फॉर्मल लोकसभा एमपी हैं आसाम के उसके बाद राजस्थान में हरिभाऊ कृष्णराव राव बगडे को अपॉइंट किया गया है जो कि फॉर्मल असेंबली स्पीकर थे महाराष्ट्र के उसके बाद तेलंगाना में जिष्णु देव वर्मा को अपॉइंट किया गया है जो कि फॉर्मर डिप्टी सीएम थे त्रिपुरा के और सिक्किम में ओ पी माथुर हैं जो कि फॉर्मर राज्यसभा मेंबर हैं मेघालय में सी एच विजय शंकर जो कि फॉर्मर लोकसभा मेंबर हैं फ्रॉम कर्नाटका पंजाब और छत्तीसगढ़ के लिए गुलाब चंद कटरिया बने हैं जो कि फॉर्मर राजस्थान मिनिस्टर हैं और पुडुचेरी के लिए के कैलाश नाथन जो कि रिटायर्ड आई ऑफिसर हैं और महाराष्ट्र के लिए सी पी राधाकृष्णन जो कि फॉर्मर गवर्नर ऑफ झारखंड हैं और आसाम और मणिपुर के लिए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो कि फॉर्मर गवर्नर थे सिक्किम के नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया के स्टील प्रोडक्शन प्रोजेक्शन के बारे में तो रिसेंटली कहा गया कि जो इंडिया का स्टील प्रोडक्शन है वो 2030 तक 300 मिलियन टन को क्रॉस कर जाएगा और इस प्रोडक्शन के इंक्रीज होने का रीजन है गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बात करें करंट डिमांड और ग्रोथ की तो देखिए कहा गया है कि लगभग टेन का ग्रोथ देखने को मिल सकता है हमको स्टील के सेक्टर में और इस ग्रोथ के दो रीजंस बताए गए हैं पहला तो गवर्नमेंट और दूसरा जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं क्योंकि गवर्नमेंट की डिमांड भी स्टील की बढ़ रही है और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं इनकी भी डिमांड जो स्टील की है वो इनक्रीज कर रही है इसीलिए जो स्टील का सेक्टर है वो आगे आने वाले टाइम में जो है अच्छा खासा उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा और इसी के लिए सिम्स टू पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल को लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ एच कुमार स्वामी ने नेक्स्ट न्यूज है कि जो ग्रेविन म्यूजियम है पेरिस का इसने ऑनर किया है बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को विथ कस्टमाइज गोल्ड कॉइन कस्टमाइज गोल्ड कॉइन से जो है ऑनर किया है ग्रेविन म्यूजियम में और ये जो म्यूजियम है वो पेरिस में पड़ता है और शाहरुख खान जो है वो सेकेंड इंडियन है जिनको ये ऑनर जो है वो दिया गया है पहला ऑनर जो है वो महात्मा गांधी जी को दिया गया था तो शाहरुख खान ऐसे पहले इंडियन एक्टर बन जाते हैं जिनको ये सम्मान जो है वो दिया गया है और इसके पहले जो ये गोल्ड कॉइन्स हैं वो चार्ली चैपलिन को माइकल जैक्सन को और नेशनल मंडेला को भी दिया गया था और जो ग्रेविन म्यूजियम है ये पेरिस में है और ये एक वैक्स म्यूजियम है और ये म्यूजियम सीन रिवर के किनारे जो है लोकेटेड है नेक्स्ट न्यूज़ है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 तो हैंनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो ग्लोबल रैंकिंग है इंडिया की उसमें ड्रॉप देखने को मिला है और पिछले साल इंडिया जो है वो एटीथ पोजीशन पर था और इस बार एटीथ सेकंड पोजीशन मिला है इंडिया को और इंडिया जो है फिफ्टी कंट्रीज़ को वीज़ा फ्री अराइवल और वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो देता है तो इंडिया के साथ दो कंट्रीज़ और हैं पहला है सिंगल और दूसरा है तजाकिस्तान तो इंडिया सिंगल और तजाकिस्तान इन तीनों को जो है एटी सेकेंड रैंक मिला है बात करें टॉप कंट्रीज़ की तो सिंगापुर को पहला स्थान मिला है फ्रांस इटली जर्मनी स्पेन और जापान को सेकेंड स्थान मिला है और थर्ड रैंक पे कई कंट्रीज़ हैं जैसे ऑस्ट्रिया फिनलैंड आयरलैंड लग्जमबर्ग नदरलैंड साउथ कोरिया और स्वीडन और बात करें अगर बॉटम थ्री की तो बॉटम थ्री में अफगानिस्तान है सीरिया है और इराक है तो सबसे लास्ट में जो कंट्री है वो अफगानिस्तान है नेक्स्ट न्यूज़ है हंगर को लेकर के तो देखिए हंगर में डिक्रीज़ देखने को मिला है 2020 से 22 के बीच में 16.6 परसेंट जो हंगर था इंडिया में वहीं 2023 में घट के ये 13.7 परसेंट हो चुका है और कहा गया कि लगभग एक साल में 39.3 मिलियन पीपल जो हैं वो हंगर से बाहर आ चुके हैं और 2020 से 22 के बीच में लगभग 233.9 मिलियन जो लोग थे वो हंगर में आते थे वहीं 2021 से 23 के बीच में ये डाटा घट के हो चुका है 194.6 मिलियन और इंडिया का एम ये है कि जीरो हंगर को इंडिया अचीव करे दो तक इसके अलावा जो डाटा है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन का इसमें भी हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है और ये इम्प्रूवमेंट जो है वो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स की वजह से हुआ है जिसके अंतर्गत जो फाइव के जी राइस और व्हीट जो मंथली दिया जाता है फ्री राशन स्कीम्स के अंतर्गत तो उसकी वजह से ये जो है डेवलपमेंट देखने को मिला है इसके अलावा जो कम दामों पर फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तो इसकी वजह से भी इम्प्रूवमेंट हुआ है और इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक इंडिया जो है वो जीरो हंगर को अचीव कर ले अगली न्यूज़ है कि राष्ट्रपति भवन के आइकॉनिक हॉल्स को रीनेम किया गया है और इसको अनाउंस किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तो राष्ट्रपति भवन में जो दरबार हॉल था उसका नाम रखा गया है गणतंत्र मंडप और ये जो है हमारे इंडिया के कल्चर हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करता है और गणतंत्र का मतलब होता है रिपब्लिक और जो अशोक हॉल था उसका नाम रखा गया है अशोक मंडप और अशोक का मतलब होता है फ्री फ्रॉम सफरिंग और अशोक जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है अशोक यानी जिसको कोई शोक ना हो यानी हु इज़ फ्री फ्रॉम सफरिंग नेक्स्ट न्यूज़ है नीति आयोग के नाइन्थ गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के बारे में तो रिसेंटली नाइन्थ गवर्निंग काउंसिल मीटिंग नीति आयोग की कंडक्ट की गई और इसको चेयर किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और इस साल की थीम थी विकसित भारत एट 2047 यानी कि 2047 तक इंडिया को जो है वो डेवलप्ड कंट्री बनाना है डेवलप्ड नेशन बनाना है और इस मीटिंग का एम था कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है रूरल में और अर्बन में तो इसको इम्प्रूव कर सके और जो मेन फोकस एरिया रखा गया वो थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसके रिकमेंडेशन को ही रखा गया और इसमें कहा गया था कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सबके लिए एक्सेस होना चाहिए उसकी क्वांटिटी में अवेलेबल होना चाहिए और क्वालिटी होनी चाहिए उसमें और इलेक्ट्रिसिटी के लिए कहा गया था कि क्वालिटी एफिसंसी और रिलायबिलिटी होनी चाहिए हेल्थ के लिए एक्सेसिबल अफोर्डेबल और क्वालिटी होनी चाहिए स्कूलिंग के लिए एक्सेस और क्वालिटी की बात की गई थी लैंड और प्रॉपर्टी के लिए कहा गया था कि एक्सेसपोल होना चाहिए डिजिटाइज़ किया होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और जो नीति आयोग का विजन डॉक्यूमेंट है इसका गोल है कि इंडिया को 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है बाई 2047 यानी कि जब हमारी हंड्रेड एनिवर्सरी होगी इंडिपेंडेंस की तब तक इंडिया जो है वो 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जानी चाहिए नेक्स्ट न्यूज़ है पीएम मित्रा पार्क्स के बारे में तो देखिए रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है सेवन पी मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एप्रेल पार्कस इन ग्रीन एंड ब्राउन साइट्स तो सात पी मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल जो है वो चुने गए हैं और इसके अंतर्गत जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है वो बनाया जाएगा तमिलनाडु के विरुद्धनगर में और इसके लिए सात सालों में लगभग 4,445 करोड़ जो है वो खर्च किए जाएंगे और कहा जा रहा है कि हर पार्क से लगभग एक लाख डायरेक्ट और दो लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हमको देखने को मिलेगी और विरुद्ध नगर प्रोजेक्ट के अंडर में जो तमिलनाडु की सरकार है उसका 51 वन परसेंट स्टाक रहेगा और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका फोर्टी नाइन जो है वो रहेगा और इस प्रोजेक्ट के लिए जो इन्वॉर्मेंटल क्लियरेंस है वो मिल चुका है और जो लेआउट है वो उसको भी अप्रूवल दिया जा चुका है और लगभग 1200 करोड़ के लिए जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो साइन हो चुकी है और जो ये इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क है इसका ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया जाए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए और टेक्सटाइल सेक्टर में जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको बूस्ट किया जाए और इसी के लिए 568.15 करोड़ जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स के लिए नेक्स्ट हम कुछ शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं तो देखिए रवि किशन जो कि एक भोजपुरी एक्टर भी हैं और बीजेपी के एमपी भी हैं इनके द्वारा एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और मांग किया गया है कि भोजपुरी लैंग्वेज को एट्थ स्केड्यूल में डालना चाहिए बात करें प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है तो ऐसा मेंबर जो कि कैबिनेट में शामिल नहीं है यानी जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उन कैबिनेट मेंबर्स पर कोई भी कैबिनेट पोस्ट होल्ड नहीं करता है ठीक है तो ऐसे मेंबर जब कोई बिल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल यानी कोई भी अगर वो कैबिनेट का पोस्ट होल्ड नहीं किए हुए हैं तो नेक्स्ट है जो सेंट्रल वाटर कमीशन है इसको जी का जो ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड है वो दिया गया है फॉर वाटर डिपार्टमेंट ऑफ़ द ईयर ठीक है वाटर डिपार्टमेंट ऑफ़ द ईयर का जो अवार्ड है वो सेंट्रल वाटर कमीशन को दिया गया है और ये कहाँ पे दिया गया है तो ग्लोबल वाटर टेक समिट में दिया गया है नेक्स्ट है कि उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी जो है वो ओपन की गई है देहरादून में नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो इंडियन टेनिस प्लेयर हैं रोहन बोपन्ना इनके द्वारा तो कहा गया है कि ये जो है रिटायरमेंट जल्दी ही ले लेंगे नेक्स्ट न्यूज़ है जी के बारे में और ये जो है 16 साल की हैं मुंबई से बिलोंग करती हैं और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है इनको और ये वर्ल्ड की यंगेस्ट और फास्टेस्ट पैरा स्विमर बन गई हैं इंग्लिश चैनल को इन्होंने जो है सक्सेसफुली क्रॉस किया है अगली न्यूज़ है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट जो हैं वो निकोलस मादुरो बने हैं और अगले सिक्स ईयर्स तक ये फिर जो है सर्व करेंगे तो इनको जो है री किया गया है अगली न्यूज़ है चाइना जो है वो गोभी डेजर्ट में वर्ल्ड का पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बना रहा है और इसके लिए चाइना थोरियम सॉल्ट का यूज़ कर रहा है ठीक है मोल्टेन थोरियम सॉल्ट का यूज़ कर रहा है चाइना और कहा जा रहा है कि लगभग दो तक ये जो है स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट न्यूज़ है प्रीति सुडान प्रीति सुडान जो है ये बनाई गई हैं यू की नई चेयरमैन क्योंकि जो मनोज सोनी हैं इनके द्वारा रिज़ाइन कर दिया गया था और प्रीति सुडान जो हैं वो रिटायर्ड आई ऑफिसर हैं 1983 बैच की आंध्र प्रदेश की नेक्स्ट न्यूज़ है अरुणाचल प्रदेश का एक स्कूल जो है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जो कि पंचिन ईटानगर में है ये जो है इंडिया का पहला थ्री प्रिंटेड स्कूल बन चुका है और कुछ टाइम पहले जो है इस स्कूल में आग लगने की वजह से स्कूल जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था लेकिन दो महीने के अंदर में ही थ्री प्रिंटिंग का यूज़ करके इस स्कूल को फिर से बनाया गया है नेक्स्ट न्यूज़ है एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडिया की सरकार ने जो है एक एम साइन किया है और इसके अंतर्गत लगभग टू मिलियन का जो लोन है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड करेगा इंडिया को और इस पैसे का इस्तेमाल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए किया जाएगा और सैनिटेशन के लिए किया जाएगा तो लगभग एट स्टेट्स में यानी कि इसके अंतर्गत लगभग हंड्रेड सिटीज़ को कवर किया जाएगा और इन सिटीज़ में सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए और सैनिटेशन को इन्हैंस करने के लिए ये पैसे जो हैं वो दिए गए हैं नेक्स्ट न्यूज़ है जो नितिन गडकरी हैं इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है ईरान के प्रेसिडेंट के स्वेरिंग सेरेमनी में तो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका जो है शपथ समारोह था वहाँ पर नितिन गडकरी जो हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट किए हैं नेक्स्ट न्यूज़ है जो कोरिया टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है इसने आनंद कुमार को जो है एज एम्बेसडर अपॉइंट किया है नेक्स्ट न्यूज है गोवा ने लॉन्च किया है गोइंग विनमूल्य विज यवजन स्कीम और इस स्कीम के तहत सोलर रूफ इंस्टॉलेशन को और इन्हेंस किया जाएगा नेक्स्ट न्यूज़ है टाइम मैगजीन के वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस के बारे में देखिए इसमें इंडिया के तीन डेस्टिनेशंस आए हैं पहला है मनम चॉकलेट हैदराबाद में नार रेस्टोरेंट हिमाचल प्रदेश में और म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन जो कि पड़ता है मुंबई में तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स Thank you and thanks for watching.